हेलो भाई, मैं हूँ विक्रम और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो भाई आज हम बात करेंगे हुंडे की प्रीमियम एसयूवी एल्कज़ार की। भाई ये क्रेटा पे बेस्ड, उसका लॉन्ग व्हील बेस मॉडल समझ लीजिए, 7 सीटर कार है और ये ग्रिल कुछ पहली साइड से मिलती जुलती है और इस ग्रिल की वजह से ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और मेन डिफरेंस क्रेटा और इसमें यही है, इसकी कुछ ऐसी ग्रिल है और यहाँ पे हुंडे लोगो के नीचे मिल जाता है कैमरा। ये इसके हेडलैम्प से ट्राई भी हेडलैम्प है, ये DRL है भाई, ऐसी कुछ हेडलैम्प मिलते हैं इसके। ये इसकी फॉग लाइट्स है, यहाँ पे LED फॉग लाइट्स और ये टर्न इंडिकेटर, इसको कुछ पाए जाते हैं नहीं नीचे भाई, दिखती तो है नहीं आग सामने से आने वाले को। भाई इसमें 3 मॉडल आते हैं और ये प्लेटिनम मॉडल आप देख रहे हैं। इसकी रेंज भाई ऑन रोड 19 लाख से स्टार्ट जाती है और 22.75 लाख तक जाती है भाई। ऐसी कुछ दिखते फ्रंट से। भाई साइड व्यू की बात करें तो काफ़ी मस्कुलर सी लगती है और इससे आगे आगे तो क्रेटा जैसी लगती है बिल्कुल, और इससे पीछे इन्होंने एक्सटेंड कर दी, यहाँ पे पीछे ग्लास एरिया मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करें तो 215/55R18 मिल जाता है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स और बेस मॉडल में 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, डिज़ाइन सेम रहता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो बॉडी कलर्ड यहाँ पे डोर हैंडल्स और यहाँ पे ब्लैक क्रोम मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर है और ऐसी कुछ इसकी की मिल जाती है। अनलॉक होल्ड करेंगे तो ये बीप करेगी और की के भी कई फीचर्स आते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं इसको होल्ड करके रखेंगे तो। ये बूट अनलॉक करने का फीचर है। पीछे की बात करें तो भाई कुछ ऐसी लगती है पीछे से, ये इसकी टेल लाइट्स हैं, टेल लाइट्स इतनी खास नहीं है और ये रात को तो पर बढ़िया ही लगती है, LED टेल लाइट्स हैं। यहाँ पर भी ब्रेक मारेंगे तो LED चस्ती है और ये एल्कज़ार की बैजिंग ब्लैक क्रोम है। ये कैमरा मिल जाते हैं यहाँ पे, ये वाइपर डीफोगर और ऊपर शार्फिन एंटीना मिल जाता है। बूट स्पेस ऐसा कुछ मिल जाता है इसमें, यहाँ पे छोटी सी लाइट है और यहाँ पे इसकी टूल किट मिल जाती है, स्पेयर टायर नीचे मिलता है आप पे। और अगर थर्ड रो फोल्ड कर देंगे तो एक मिनट भाई, इतना बूट स्पेस बन जाता है, थर्ड रो काफ़ी बन जाता है वैसे। यहाँ पे बोतल होल्डर, ये एसी के कंट्रोल्स, एसी वेंट, इस साइड भी एसी वेंट और USB का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये बोस का सब वूफर, इसमें बोस का सराउंड सिस्टम आता है, काफ़ी प्रीमियम है। एक मिनट भाई, अंदर की बात करें तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये भाई पीछे की डोर के लुक्स, ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है इसका इंटीरियर और ये रियर ब्लाइंड मिल जाते हैं इसमें प्राइवेसी के लिए। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी मिलती है, ये सिल्वर फिनिश में हैंडल्स मिल जाते हैं और ये लेदर फिनिश, सॉफ्ट टच लेदर फिनिश में मिलते हैं। बोस के स्पीकर्स, ये इसके रियर सीट्स, लेदर सीट्स मिलती है इसमें और इनको फोल्ड भी कर सकते हैं पीछे जाने के लिए। भाई फोल्ड किस कैसे हो गए करिए, भाई ऐसे फोल्ड करते हैं इसको और इतना कुछ पीछे स्पेस मिल जाता है इसमें। पीछे एडल्ट के लिए तो भाई कंफर्टेबल नहीं है पर बच्चों के लिए तो सही है। अंदर लेग रूम की बात करें तो भाई एक मिनट करिए, हाँ रिक्लाइन भी कर सकते हैं इन सीटों को, ये आर्म रेस्ट है, इस पर भी एम्बिएंट लाइट। और लेग रूम की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है, यहाँ पे ट्रे मिल जाती है, ये 3 किलो तक, 3-3.5 किलो तक वेट ले सकती है। यहाँ पे भाई छोटी सी नट मिल जाता है, ये एसी वेंट्स है, थोड़ा सा स्पेस, USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है और ये एयर प्योरीफायर मिल जाता है यहाँ पे। और ऐसे कुछ इसके डैशबोर्ड के लुक्स और ये पैनारोमिक सनरूफ है भाई, बेस्ट थिंग है इसकी। ग्रैब हैंडल्स और यहीं पे लाइट मिल जाती है, रीडिंग लाइट्स इस साइड भी,
एलईडी लाइट मिलती है और पीछे भी मिल जाते हैं कैबिन लाइट्स एलईडी। भाई आगे चलते हैं भाई, ये इसका ड्राइवर साइड डोर और ये पावर विंडोज के कंट्रोल, वार गेम के कंट्रोल, ऑटोमेटिक फोल्ड वार में मिल जाते हैं इसमें, और ये हैंडल सिल्वर फिनिश में मिलते हैं, ये लेदर फिनिश में सॉफ्ट टच मिल जाते हैं, ये बॉटल होल्डर और ये ड्राइवर साइड सीट पावर एडजस्टेबल मिल जाती है, और यहाँ पे मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप बटन, ये ट्रैक्शन कंट्रोल और ये लाइट हेडलाइट लेवलर फ्यूज बॉक्स, और भाई एसी वेंट क्रेटा से ही आइडेंटिकल है, और ये ऐसे कुछ है इसके डैशबोर्ड, ये ब्राउन फिनिश में आता है, ये यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, और ये 10 इंच की, और भाई इसकी बेस्ट थिंग लगती है ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसमें, ये देखो भाई काफ़ी प्रीमियम लगती है, फुली डिजिटल है, और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का फंक्शन मिल जाता है, नीचे 12V का पोर्ट, USB का पोर्ट और ये चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतना स्पेस और कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, एम्बिएंट लाइट यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे भी है एम्बिएंट लाइट। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, और लेदर रैप्ड है, और ऑटोमेटिक वेरिएंट में यहाँ पे पैडल शिफ्टर से मिल जाते हैं, ये भाई टच स्क्रीन के कंट्रोल्स है, ये क्रूज कंट्रोल है, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, और ये मैनुअल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक में इसमें और फंक्शंस भी आ जाते हैं, ये भाई 360 व्यू कैमरा का है, ये देखो 360 व्यू, ये भी भाई बेस्ट फंक्शन है इसका, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड का फंक्शन, यहाँ पे कुछ स्पोइस बोटल होल्डर, और ये भाई इसका एयर प्योरीफायर, इसमें भी कुछ स्पेस मिल जाती है, ज़्यादा नहीं है, हाँ ठीक है, इसमें भाई दो इंजन ऑप्शन आते हैं, 2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल, 2 लीटर पेट्रोल इंजन भाई प्रोड्यूस करता है 159 PS की पावर और 191 Nm का टॉर्क, और 1.5 डीजल तो आता ही है क्रेटा में जो आता है वही सेम इंजन दे रखा है इसमें, 2 लीटर का काफ़ी पावरफुल इंजन है, और ये ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM मिल जाता है ब्लू लिंक फंक्शन के साथ, यहाँ पे बोटन ये सनग्लास होल्डर और ये कैबिन लाइट्स LED मिल जाती है, इसकी बात करें तो यहाँ पे नहीं मिलता, ये वैनिटी मिरर नहीं मिलता, इस साइड मिल जाता है वैनिटी मिरर, सनरूफ की बात करें तो सनरूफ ओपन करते भाई, इसकी बेस्ट थिंग है, पहले ब्लाइंड ओपन होता है और फिर सनरूफ ओपन हो जाती है भाई, काफ़ी बढ़िया है पैनोरामिक सनरूफ, खुलती भी बहुत वाइड है, देख सकते हो आप अभी भी जा ही रही है, ये देखो कितनी, दो आदमी भाई आराम से खड़े हो सकते हैं इसमें, भाई काफी प्रीमियम है क्रेटा से तो बहुत प्रीमियम गाड़ी है, और अंदर से भी इस ब्राउन कलर की वजह से बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो बढ़िया प्लास्टिक क्वालिटी मिल जाती है, और ये वूफर मिल जाता है यहाँ पे, और बोस का सिस्टम है भाई सबको पता है, बोस तो फिर बढ़िया ही है इसका, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।